हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग टेल्स पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये दो रंग की बुनाई लेके आई हूँ। इसके लिए हमने ये बेबी वूल लिया हुआ है और ये 10 नंबर की नीडल ली हुई है। तो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ये फंदे डाल लिया, ये जो येलो कलर का ऊन है इससे हमने फंदे डालना है। फंदे डालने के बाद एक सिलाई पूरा सीधा बनाएंगे और दूसरी सिलाई पूरा उल्टा बनाएंगे, उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई और सीधी तरफ से सीधी सिलाई। अब हमने ये दो सिलाई सीधा उल्टा बुन लिया, सीधी सिलाई में पूरा सीधा बनाया है और उल्टी सिलाई में पूरा उल्टा बनाया है। अब सीधा उल्टा बनाने के बाद अब हम ये व्हाइट कलर का धागा लगा लेंगे और अब हम बुनाई की शुरुआत करेंगे। ये पहला फंदा हम ये डार्क कलर वाले से धागे से हम पहला फंदा सीधा बुन लेंगे। ये किनारे का फंदा है तो एक फंदा ही इसको बनाएंगे। एक फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब इस धागे को हम यहाँ छोड़ देंगे और ये वाइट कलर का धागा आगे कर लेंगे। ऐसे हमने आगे कर लिया। अब ये 7 फंदे हम सीधा बुनेंगे येलो कलर के धागे से। इस धागे को हमने आगे कर लिया वाइट कलर का और इसको आगे हम छोड़ देंगे। इस धागे को हम आगे रहने देंगे और येलो कलर वाले से 7 फंदा सीधा बुनेंगे। एक फंदा बुना, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5, 6 और ये 7। 7 फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब ये धागा, ये वाइट कलर का जो आगे धागा था उसको हम ऐसे पीछे कर लेंगे ऐसे, और अब हम इसको पीछे करके इसको पीछे छोड़ देंगे और अब 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, ये येलो कलर के धागे से बुनेंगे। वाइट कलर का धागा छोड़ देंगे, येलो कलर के धागे से हम सीधा बुन लेंगे 2 फंदा। अब फिर हम येलो कलर का धागा ये पीछे छोड़ देंगे और ये वाइट कलर का धागा ऐसे आगे कर लेंगे। अब हम फिर 7 फंदे हम सीधा बुनेंगे। ये धागे को हम आगे छोड़ देंगे वाइट कलर वाले को और येलो कलर के धागे से हम 7 फंदे सीधा बुनेंगे। 1 फंदा 2 फंदा 3 4 5 6 और ये 7। 7 फंदा हमने सीधा सीधा बुन लेना है। अब हम ये धागा पीछे कर लेंगे, वाइट कलर का धागा हमने पीछे कर लेना है और फिर ये 2 फंदा हम सीधा बुनेंगे येलो कलर के धागे से। इसको हम पीछे करके इसको यहाँ छोड़ देंगे और येलो कलर के धागे से 2 फंदा बुनेंगे। 1 फंदा बुना और ये 2 फंदा बुना। फिर ये येलो धागा हम पीछे छोड़ देंगे और ये वाइट कलर का धागा हम आगे लेके आएंगे। ये आगे लाके इसको हम वाइट कलर के धागे को छोड़ देंगे। फिर येलो कलर के धागे से हम 7 फंदा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 7 फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब ये वाइट कलर का धागा ऐसे पीछे कर लेंगे और किनारे 1 फंदा बचा है तो इसको हम सीधा बुन लेंगे येलो धागे से। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई बना लेना है। बीच बीच में ये 2-2 फंदे हैं, 2 फंदा सीधा बुना, फिर ये 7 फंदा सीधा बुनेंगे। धागा को आगे कर लेंगे, 2 फंदा हमने सीधा बुन लिया, ये वाइट कलर का धागा आगे कर लेंगे, फिर 7 फंदा हम येलो कलर के धागे से बनाएंगे, फिर ये धागा हम पीछे कर लेंगे वाइट कलर का, फिर ये 2 फंदा बुनेंगे, फिर ये 7 फंदे हम वाइट कलर का धागा आगे करके फिर ये 7 फंदे बुनेंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। अब उल्टी तरफ से हम ये किनारे का फंदा, 1 फंदा हम येलो कलर से बनाएंगे, ये पहला फंदा हमने इससे बना लिया। अब ये वाइट कलर का धागा हम पीछे लेके जाएंगे ऐसे, और अब ये 7 फंदे हम
उल्टा बनाएंगे। इस धागे को ऐसे पीछे ले जाके वाइट कलर का छोड़ देंगे और ये येलो कलर के धागे से हम सात फंदा उल्टा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। सात फंदा हमने उल्टा बुन लिया। अब ये फिर वाइट कलर का धागा हम आगे लेके आएंगे ऐसे, और इसको आगे लाके इसको छोड़ देंगे। और अब येलो कलर के धागे से हम येलो कलर का धागा ले लेंगे, इससे दो फंदा हम उल्टा बनाएंगे। फिर अब येलो धागा यहाँ पे छोड़ देंगे और वाइट कलर का धागा ये पीछे लेके जाएंगे। अब फिर ये सात फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये वाइट धागा ये पीछे छोड़ देंगे और येलो कलर के धागे से हम सात फंदे उल्टा बनाएंगे। एक फंदा, दो फंदा, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। ये सात फंदा हमने बुन लिया। फिर ये वाइट कलर का धागा आगे लेके आएंगे ऐसे। अब फिर ये दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ये वाइट धागा यहाँ छोड़ देंगे और ये इससे दो फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर ये धागा यहाँ छोड़ देंगे और ये वाइट कलर का धागा ऐसे पीछे लेके जाएंगे। और अब ये सात फंदे उल्टे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। सात फंदा हमने बना लिया। अब फिर ये वाइट कलर का धागा हम इधर आगे लेके आएंगे ऐसे, और एक फंदा ये किनारे का बचा है तो इसको हम येलो कलर के धागे से ही उल्टा बना लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से ये खींचा खींचा सा धागा आ जाएगा, ये आगे की तरफ इस तरह से आएगा। एक सिलाई हमने सीधा बनाया और एक सिलाई हमने उल्टा बनाया, तो ये दो सिलाई के बाद ये दो धागे हमें खींचे हुए से दिख रहे हैं। इसी तरह हमें चार सिलाई और बनाना है। सीधी सिलाई ऐसे बनाया जैसे हमने फर्स्ट वाली बनाया है फर्स्ट रो, और उल्टी सिलाई उसी तरह बनाया जैसे हमने सेकेंड रो बनाया। इस तरह से चार सिलाई और हम बना लेंगे। अब ये छः सिलाई बनाने के बाद देखिए ये इस तरह से धागा खींच के आ जाएगा। ये छः धागे खींचे रहेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब ये छः सिलाई बनाने के बाद सातवीं सिलाई में इसको हम बांधेंगे। अब ये देखिए किनारे का फंदा हमने ऐसे सीधा बुन लेना है। एक फंदा जो किनारे का, इसको तो हम बुनेंगे ही। अब ये सात फंदे हैं, ये तीन फंदा इधर रहेगा और तीन फंदा इधर रहेगा। ये बीच के फंदे पे ये इन धागों को हम बांधेंगे। अब इसके लिए किनारे का तो हमने बुन लिया था, ये किनारे का इसलिए। अच्छा, तीन फंदा ये हम सीधा बुनेंगे, ये बुनाई में से तीन फंदा सीधा बुन लेंगे। एक फंदा, दो फंदा और ये तीन फंदा। ये तीन फंदा हमने बुन लिया। अब ये राइट हैंड वाली सिलाई को इन धागों के ऐसे नीचे से, ये देखिए ये धागों के नीचे से, ये पहला धागा, दूसरा धागा, तीसरा धागा और ये पूरे छह धागों के नीचे से इसको हम ले जाएंगे और इस फंदे को हम इसके ऊपर ऐसे उतार लेंगे ऐसे, बीच का ये फंदा, चौथा फंदा। अब ये इन धागों को इसके ऊपर से, इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। ये देखिए ये धागे ऐसे लेंगे, ऐसे पूरे धागे लिए और इसके ऊपर से ऐसे उतार लेना है ऐसे। और अब इसको बीच वाले फंदे को हम ऐसे सीधा बुन लेंगे ऐसे, और ये बाकी बचे तीन फंदे हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए बुनाई इस तरह से आ जाएगी। अब ये दो फंदे जो बीच के हैं इसको हम सीधा बुन लेंगे।
अब ये फिर यहाँ पे हम बुनाई को बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वही यहाँ पे बनाएंगे। अब ये 7 फंदे हैं, इसमें से 3 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। एक फंदा बुना, 2 फंदा और ये 3 फंदा। 3 फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब इस सिलाई को इन धागों के नीचे से ले आएंगे, इस सिलाई को ऐसे ले जाएंगे सबसे नीचे वाले धागे के बीच से, ऐसे इन सारे धागों के ऐसे नीचे से लेके आएंगे और इस बीच के फंदे को, ये चौथे फंदे को इसके ऊपर ऐसे उतार लेंगे। और अब ये पूरे धागे ऐसे लेंगे, ऐसे सिलाई से ऐसे लेंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। और अब इसको हम सीधा बुन लेंगे ऐसे, और ये बाकी बचे 3 फंदे सीधा बुन जाएंगे। ये बुनाई इस तरह से आ जाएगी। इसी तरह हम पूरी सिलाई बना लेंगे। ये हमने पूरी सीधी सिलाई बना लिया। अब उल्टी तरफ से, उल्टी तरफ से हम पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे। ये हमने उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब ये देखिए बुनाई इस तरह से आ जाएगी। इसी तरह आगे ऊपर बुनाई को बनाते हुए हम रिपीट करते जाएंगे। तो अब हमने बुनाई को बना लिया है। देखिए ये बनने के बाद कितनी सुंदर लगती है और बनाने में ये कितना आसान है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।